आज हम आपको कपड़ों पर आयरन करना सिखाएंगे। इसके लिए हमने पहले आयरन मतलब ये प्रेस ले ली है, ये हमारे इन आरसा की प्रेस है। और आपके जो भी हो प्रेस लीजिए, कोई भी आरसा तो आप उसको अपना यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने ये है इसको स्विच से लगाना है और फिर इसके बाद हमें अपने जो कपड़े हैं इसको जब तक ऐसे रख देंगे हम। इस पे पैंट और हमारी टी शर्ट है उस पर आपको इस्त्री करना बताएंगे, उसको आयरन करना बताएंगे। हिंदी में इसको इस्त्री बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। इसके लिए हमने पैंट को पहले सीध में बिछा लेना है एकदम इस तरह। आपको अब इसके लिए हमें स्विच ऑन करना है, जब तक हमारी आयरन थोड़ी गर्म होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी। ये इसके अंदर इस तरह से होते हैं, आपको अपने बटन सेट कर लेने हैं। जैसे कॉटन का है तो कॉटन पे सेट कर लेना है। ये हमारा हुआ हुआ है, थोड़ा सा हमने इसको आगे पीछे करके इस बिल्कुल सेट कर लिया। और यदि आप कपड़े के अकॉर्डिंग है, यदि आपका गर्म कपड़ा तो गर्म के बुलन के हिसाब से होगा, कॉटन में तो कॉटन, अभी गर्मी है तो कॉटन के हिसाब से ही होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको सीट करके यूज करना है। इसी तरह इसकी दूसरी साइड को ऐसा करना है। ये इसकी पूरी मतलब ऊपर की जो बेल्ट की साइड है इस पर भी अच्छे से करना है। इस साइड बेल्ट और जो पॉकेट की साइड पे हमको थोड़ा ज़्यादा हार्ड करना है, क्योंकि इधर थोड़ा टाइट जगह होती है तो इसमें किरणें होती है। तो इसमें 5 मतलब 2 मिनट तक आपको इसमें लगातार करना है, जिससे कि इसकी बेल्ट और ये जो इसकी पॉकेट है उसकी क्रीज जम जाएगी आपकी। यहाँ पे अच्छे से करना है, ये ऊपर वाली बेल्ट साइड भी अच्छे से करना है। तो इस तरह ये आप 2 मिनट तक लगातार करिए, तो जिससे इसकी क्रीज जम जाएगी। फिर ऐसे नीचे करते हुए नीचे ऊपर से आप लेके नीचे डाउन तक जाएंगे। फिर हमारे को थोड़ी देर के लिए हमारा ब्रेक इसको फोल्ड करना है, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब दोनों हाथ से पैंट को लेंगे और इस तरह रखेंगे। अब फिर हम ऊपर हिस्से में करेंगे, ऊपरी हिस्से में भी हमें यहाँ पे भी पॉकेट है तो पॉकेट के ऊपर भी करना है। इस पॉकेट में 2 मिनट तक करना है, एक से बस थोड़ी देर 2 मिनट इसको रखे रहने देना है, जिससे कि इसमें इसकी जो गर्माहट है उसका आ जाएगी और ये गर्म हो जाएगी। और इसको ऐसे करते ही यहाँ तक हो गया, फिर तो थोड़ा आगे करेंगे। ये इसको फोल्ड करेंगे इसी तरह पीछे की साइड में करेंगे। हमारी पैंट तैयार करके रख दी है, ये हमने टी शर्ट ली है, पैंट के साथ टी शर्ट है। शर्ट का भी कल मैं बताऊंगी, आप पैंट बने टी शर्ट का। टी शर्ट में भी सीधे सीधे पहले ऐसे करते जाइए और फिर इसकी जो स्लीव्स है स्लीव्स की तरफ करेंगे हम इस तरह। ये देखिए इसको एक से किनारे इसके हटा देंगे, इसके किनारे पे और इससे ज़्यादा हम थोड़ी देर 2 मिनट तक करेंगे। आगे करें एक से सीख में पूरा करें। अभी कोरोना में तो क्या घर बाहर जा नहीं सकते, प्रेस वाले आ ही नहीं रही है, घर पे ही सारे काम हो रहे हैं, तो इसलिए हम घर पे काम करने के लिए आपको तरीके बता रहे हैं, जिससे आपका काम इजीली हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको यहाँ से हमने करा, इसको फोल्ड करा एक बार सीधे करा, फिर इसको यहाँ से इसकी जो स्लिप्स पकड़ी और इसको इसके अकॉर्डिंग बिछा दी। एक सीध में
पूरा नीचे तक का। अब इधर राइट साइड के अंदर मैंने नीचे बैक पोर्शन पर कर लेंगे। बैक पोर्शन को हमने ऐसे फोल्ड करा, इस तरह से फोल्ड कर लिया, हाथ से इसको करा, फिर प्रेस से करा, फिर सीधा करा और फिर इसके स्लीव्स पे हल्का सा लिया और उसको राइट में लिया और इसके स्लीव्स के ऊपर। तो ये ऊपर का हिस्सा स्लीव्स वाला हमारा पूरा आयरन हो चुका है। अब नीचे का हिस्सा हम आयरन करेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई। ये पीछे हम बैक साइड भी कर देंगे, बैक साइड भी तैयार है। तो आपकी ये पैंट और शर्ट दोनों तैयार है। कितनी अच्छी हो गई प्रेस करके, बिल्कुल कपड़ा आपका ठीक मिल जाएगा। इसको आप अलमारी में अपने आज की वीडियो में इतना, कल फिर नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।